अगर हमने अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ाए तो हम इस शरीर में होते हुए भी कुछ भी पाए बगैर इस धरती से चल बसेंगे। दुनिया का हम जो कुछ मर्जी इकट्ठा करें, दो चार कारें ले लें, दो चार मकान ले लें, कपड़े ले लें, ज्वेलरी ले लें, पैसे कमा के रख लें, वो हमें सुख चैन की ज़िंदगी नहीं दे सकते। यही बार 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 महापुरुषों में समझाते हैं। अगर उनकी मेहरबानी हो, उनकी दया दृष्टि हो, उनकी नज़र करम हम पर पड़े तो ये हमारा शिव नेत्र खुलेगा, उनकी मदद होगी, उनका इशारा होगा, उनका बताया हुआ रास्ता होगा जिस पर हम चल पड़ें, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर ज़रूर बढ़ेंगे और वो अवस्था जो सदा सदा के सुख चैन की है वो हम पा लेंगे। उस रास्ते पर हमें चलना है, वो रास्ता हमें ढूंढना है, उसे स्पिरिचुअल क्वेस्ट कहते हैं। कि एक कशिश हमारे अंदर हो सच्चाई को जानने की, वो महात्मा बुद्ध में तब पैदा हुई जब कि उन्होंने देखा कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं। जब उन्होंने मौत देखी, उन्होंने देखा किसी को तकलीफ़ भी होती है, बुढ़ापा भी आता है, वो कशिश धर्मदास में पैदा हुई जब उसने अनुभव किया कि एक जीवित महापुरुष की ज़रूरत है ताकि वो अपनी तवज्जो दें और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। अगर वो ना हुआ तो फिर ये जो सुनहरा मौका मिला है हमें अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। आगे संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब मेहरबानी होती है तो अलग अलग तरीक़ों से हम सबके लिए अलग अलग होती है, किसी को एक समय और किसी को दूसरे समय पर, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही उम्र में सबको होगी। जब जब समय सही होता है तब तक वो मेहरबानी हम पर होती है। तो फरमा रहे हैं कि पहले भी जैसे देख चुके हों उन्हें कहीं, कि जब हम अपने सद्गुरु को मिलते हैं तो हमारे अंदर किस किस्म की भावनाएं जागृत होती हैं, कि पहले भी जैसे देख चुके हों उन्हें कहीं, अनजान वादियों में कुछ ऐसे निशा मिले। इन्हें जब हम सदा सदा के सुख चैन को पाने की कोशिश करते हैं तो हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, कभी इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, कभी उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, कभी इसकी जानकारी पाते हैं, कभी उसकी जानकारी पाते हैं, और फिर एक जगह जहाँ पहुँचते हैं तो हमें लगता है ये जगह हमारे लिए राइट है। ऐसे लगता है कि ऐसे यहाँ पर कभी पहले भी हमारी जानकारी थी, कि अंदर से ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि यहाँ पर हम पहले भी थे। इसके हिस्ट्री में हम कई एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब संत दर्शन सिंह जी महाराज 3 साल के थे, उन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिलाने के लिए लेके गए। जब हजूर ने अपनी नज़रें उन पर डाली तो उन्होंने यही कहा, ये तो मेरा पुराना यार है, कि मेरा ओल्ड फ्रेंड है, कि मैं तो इनको बड़ी देर से जानता हूँ, मेरा पुरानी दोस्ती है इनके साथ। वो 3 साल के थे तो पुरानी दोस्ती कैसे हो सकती है, जबकि पहले से जानकारी हो। तो वही यहाँ समझा रहे हैं कि पहले भी जैसे देख चुके हों उन्हें कहीं। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का वाक्य देखते हैं 1917 में, क्योंकि वो भी बहुत खोज कर रहे थे सही रास्ता ढूंढने की। 1917 में उनको अपने अंदर
एक महापुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने सोचे गुरु नानक देव जी महाराज हैं। उसके 7 साल बाद 1924 में जब पहली बार उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप से दर्शन किए, तब उन्हें मालूम हुआ कि तो वही हैं जो मेरे अंदर जिनके दर्शन होते थे, कि पहले भी जैसे देख चुके हैं उन्हें कहीं, कि इंडिकेशंस हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, कि जब हम शारीरिक रूप से वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पूरी तसल्ली हो जाती है कि ये जगह हमारे लिए राइट है, यही सही जगह है, कि हमने पहले भी इन्हें देखा है, पहले भी इनसे मिले हुए हैं, पहले भी हमारी जानकारी उनके साथ, कि अनजान वादियों में कुछ ऐसे निशा मिले कि ये जो दुनिया की भेड़ चाल है जिसमें हम सब लगे हुए हैं, इसमें कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, और इस जिंदगी से पहले भी हमारी जिंदगी थी, लेकिन आत्मा के ऊपर पर्दा डाल दिया गया कि पहले क्या था उसकी हमें जानकारी ना हो, क्योंकि अगर वो जानकारी हमें होगी तो फिर आज कोई हमारा पति है, कोई पत्नी है, हो सकता है पिछले जन्म में कोई माँ बाप हो, अंकल आंट हो सकता है कोई और हो, तो उसका हिसाब किताब इंसान कर नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा की क्या रिलेशनशिप किसके साथ है, क्यों किस करके क्या हो रहा है, अगर ये सब हमारी समझ में हो तो हम जिंदगी जी नहीं सकेंगे, क्योंकि इसी जिंदगी की जो इंटरैक्शन हैं उनको ही नहीं हम संभाल पाते। तो जब पहले हुआ है अगर वो भी सब उसकी जानकारी है तो कुछ इतनी खिचड़ी पक जाएगी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब जिंदगी खत्म होती है उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन फिर जब ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से हमें खुशियां मिलती हैं तो हमें अंदर से यकीन हो जाता है कि हम यहाँ पर पहले भी थे, ये मुलाकात पहले से भी थी, इसकी जानकारी हमें पहले भी थी। तो वो जो अंदर से हमारी समझ ऐसी, तो उसके बारे में संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे कि पहले भी जैसे देख चुके हों उन्हें कहीं, अनजान वादियों में कुछ ऐसे निशा मिले, और आगे फरमा रहे हैं कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ, हायल अगरचा राह में संगे गरा मिले। हम लोगों के साथ जनरली क्या होता है कि हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, थोड़ी सी सर्च करते हैं, थोड़ी सी ढूंढ करते हैं, तो लगता है ओहो इसको छोड़ो कुछ और चीज़ नहीं ट्राई करें। जो इंसान के जो फोकस करने की टेंडेंसी है बहुत कम है। आजकल के ज़माने में क्योंकि रिसर्च बहुत हो रही है, साइंटिस्ट अपनी तरह से बड़ी इंसान क्या करता है समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि जो अटेंशन है इंसान का, जो ध्यान है, वो दिन ब दिन और कम हो जा रहा है, और कम हो जा रहा है, और कम हो जा रहा है। इसी करके अगर आजकल के आप नई चीज़ें देखेंगे जैसे टेलीविज़न है, तो आप देखेंगे कि वो अगर आप 15 या 20 साल पहले का टेलीविज़न प्रोग्राम देखें और उसमें किस किस्म के एडवर्टाइजमेंट्स आते थे वो देखें, और अगर आज के आप देखें तो आप देखें उनमें बहुत फ़र्क है। पहले अगर एडवर्टाइजमेंट आता था तो वो एक आधा मिनट चलता रहता था, अभी क्या है 5 सेकंड ये आता है, 5 सेकंड ये आता है, 5 सेकंड ये आता है, 5 सेकंड, क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इंसान 5 सेकंड से ज़्यादा देख के बोर हो जाता है, इसको हटाओ, कोई नई चीज़ इसको दिखाओ, तो इसका दिल लगाई रखो, इसलिए वो फटाफट ये बदलते हैं, ये बदलते हैं, ये बदलते हैं, ताकि इंसान के अंदर वो नई नई चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो ज़्यादा एक तरफ ध्यान नहीं टिका सकता, और यही हमारी कमज़ोरी है। अगर पिता परमेश्वर को पाना है, सदा सदा का सुख चैन पाना है, तो उनकी ओर ध्यान तो टिकाना ही होगा, ये तो कर नहीं सके, 5 सेकंड परमात्मा ध्यान दिया, 5 सेकंड दुनिया में यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, फिर 2-3 घंटे बाद फिर 5 सेकंड परमात्मा ध्यान दे दिया, इसे तो काम चलता नहीं। तो यहाँ पर
संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ। तो इसको अगर समझेंगे तो इसमें बहुत से मैसेजेस हैं। एक तो कि मंजिल कौन सी है हमारी जो हमारे महबूब की हो, जो प्रेम की मंजिल हो। वो मंजिल क्या है? पिता परमेश्वर से मिलना, वही हमारा इटर्नल बिलावड है, वही हमारा महबूब है, उसी से हमने मिलना है, तो उसी मंजिल की ओर बढ़ना है। हम लोग तो दुनिया में मंजिलें बनाते रहते हैं, सोचते हैं अगर अभी 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो 2 साल में तो 1 लाख रुपये कमाने ही चाहिए, और वो कमाते हैं तो सोचते हैं कि अगली बारी 4 लाख ही अब कमाने चाहिए क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा, और फिर हम मंजिलें और बनानी शुरू कर देते हैं कि हमारी सेहत ऐसी होनी चाहिए, हमारे रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए, और दुनिया के एरियाज में ही कोई ना कोई माइलस्टोन्स बनाने की कोशिश करते हैं। मगर सही मंजिल क्या है? मंजिल महबूब, प्रेम की मंजिल। इसीलिए बार बार हर एक धर्म ग्रंथ में यही आया है कि वो भाई बहन जिन्होंने प्रेम किया है वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और उसके लिए आस्ते 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 उसी मंजिल की ओर रहना। ये नहीं करना थोड़ी देर उधर चले फिर लगा हो अभी तो मंजिल तक पहुंचे नहीं, अब छोड़ो अब ये ट्राई करते हैं, शायद यहाँ से मंजिल मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिली चलो यहाँ से मिल जाएगी मंजिल। तो जो परसवेरेंस है कि ध्यान देना, ध्यान से देना, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि वो लोग सक्सेसफुल हैं जिनमें 1% इंटेलेक्ट है और 99% डिलीजेंस है या परसवेरेंस है, जो कि चाहे उनका दिमाग उतना तेज ना हो लेकिन अगर उनमें कशिश है अपने गोल तक जाने की, अपने मंजिल तक पहुंचने की, तो वही लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। तो अगर हमारे अंदर कशिश होगी सदा सदा का सुख चैन पाने की, तभी हम उसे पा सकेंगे। वही फरमा रहे कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ, कि अपनी मंजिल की ओर मैं बढ़ता गया। जब हम मंजिल की ओर दृढ़ होकर के बढ़ते तो हमें बहुत सी मदें मिलती हैं। फिर पिता परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम उन्हें पाएं, वो चाहते हैं हम उनकी नज़दीकी पाएं। तो जब हम पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली मदद तो ये मिलती है कि किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुँच जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचे, चाहे हमारा कोई दोस्त मित्र बताए, चाहे हम किसी सत्संग में चले गए, चाहे कोई हमने पढ़ लिया न्यूज़पेपर में, चाहे कहीं और से कोई किताब पढ़ ली, किसी न किसी जरिए हम एक जीवित महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। दूसरी मदद ये मिलती है जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के एटमोसफेयर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर हम समय के साथ नाम की देन पाते हैं, नामदन मिलता है हमें। उस समय क्या होता है, हमारे सदगुरु की तवज्जो हम पर पड़ती है, ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, और हम शरीर से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब नाम की देन मिलती है उसके साथ साथ हमें मदद ये मिलती है कि हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ टिके हुए हैं, हर समय जब भी हम अंदर की ओर ध्यान करते हैं हमें मदद करते हैं, और भारी रूप से वो हमें एक सदाचारी जीवन बनाने के लिए समझाते हैं। हमें डायरी दी गई है जिसके ज़रिए कि हम रोज़ाना देखें कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप की जानकारी पाएं, अपने आप को बेहतर करें, ताकि हम एक अच्छा इंसान बन सकें, एक सच्चा इंसान बन सकें। क्योंकि जब सद्गुण हमारे अंदर होंगे तभी हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होंगे। कि एथिकल लाइफ इज द स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, ये संत कृपाल सिंह जी महाराज बार 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 अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि ये बुनियाद है, ये बेस है, हमें चाहिए। तो वो मदद हमें ज़रूर मिलेगी, पिता परमेश्वर हम पे मेहरबान होगा जब हमारे अंदर सच सच्ची होगी, जब एक लगन सच्ची होगी तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ, हायल अगरचा राह में संगे गरा मिले। वो बता रहे कि रास्ते में तो बहुत सी रुकावटें मिली,
ज़िंदगी तो तकलीफ़ों से भरी हुई है, कोई ना कोई तो तकलीफ़ आती है, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी एक एक्सीडेंट हो गया तो टांग में कोई हड्डी टूट गई, कभी कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है इंसान के साथ, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, तो कभी और कोई रिलेशनशिप में दिक्कत हो गई, तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर हम उनमें ही डूब गए, उनको ही संवारते रहे, उनको ही करते रहे और अपनी मंजिल तक नहीं बढ़े, तो फिर ये ज़िंदगी जो पिता परमेश्वर ने हमें दी है वो बेकार हो जाएगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हमें अपना ध्यान अपनी मंजिल की ओर करना है। हमारी मंजिल सबकी एक ही है, वह है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। हम सब ने उसी मंजिल तक पहुंचना है। हम अलग अलग स्टेजेस पर हैं, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, पहुंचना सबने वहीं है। हम हिम्मत से, डिलीजेंस से, परसवेरेंस से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, मंजिल हम ज़रूर पाएंगे। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारा ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर करें, हमें इतनी लगन हो कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाना चाहें। हम देखेंगे कि उन की दया दृष्टि हम पर हर समय रहेगी, उनका हाथ हमें सहारा देने के लिए हर समय बढ़ा हुआ है, और उनकी दया मेहर से हम अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पालें।